अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज की क्लास नंबर 6 में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की क्लास में हम एडवांस डेटा टाइप्स को देखेंगे। आप लोग जैसे जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यूजर इनपुट किस तरह दी जाती है पाइथन में। हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम टाइप कास्टिंग को यूज करते हैं, और फिर हमने देखा था स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या होती है, किस तरह से स्ट्रिंग्स को स्टोर किया जाता है मेमोरी के अंदर, और फिर किस तरह से उन स्ट्रिंग्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ एडवांस डेटा टाइप्स को देखेंगे, लेकिन एडवांस डेटा टाइप्स को स्टडी करने से पहले एक और चीज है जो मैं आज की क्लास में आपको बताना चाहूंगा, दैट इज जुपिटर नोटबुक। ठीक है, अभी तक हम जितना भी काम करते रहे हैं वो हमारा एक पाइथन का आईडीई था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसका नाम था पाइथन। उसके ऊपर हम अपना कोड लिखते थे और उसको कोड से रन करते थे, और उसका आउटपुट उसी आईडी के कंसोल में आ जाता था। ठीक है, हमारे पास एक पाइथन का इंटरप्रेटर था, पाइथन 3.12.4, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में इंस्टॉल किया था, और उस इंटरप्रेटर को हमने अपने आईडी से अटैच किया था। और हमारा आईडी उस इंटरप्रेटर से अटैच होने की वजह से जैसे ही हम अपने आईडी पे कोई कोड लिखते थे, वो कोड उस इंटरप्रेटर के थ्रू ट्रांसलेट होता था, और वो इंटरप्रेटर उस कोड का जो रिजल्ट है वो हमारे कंसोल पे शो करवा देता था। तो अभी तक हम ये तरतीब देख रहे हैं। अच्छा, पाइथन में काम करने के लिए एक बड़ा ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, दैट इज जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक क्या चीज है? ये भी एक तरह का कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक और पाइथन में फर्क ये है कि जुपिटर नोटबुक एक फुल फ्लेज आईडीई नहीं है, बल्कि एक सिंपल प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके, एक नोटबुक प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज करके ब्राउजर को यूज करते हुए हम अपने कोड को रन कर सकते हैं। इसमें भी हमारे कोड के रन होने के लिए हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर इस्तेमाल हो रहा होता है बैकएंड पे, लेकिन ये एक लाइट वेट प्लेटफॉर्म होता है और इसके अंदर हमारा जितना भी कोड है वो सारे का सारा लाइन बाय लाइन रन हो सकता है। यानी इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जुपिटर नोटबुक में डिफरेंट सेल्स बने होते हैं, हम अपने कोड को चंक्स के अंदर रन कर सकते हैं, बजाय इसके कि पाइथन आईडीई में हम पूरे का पूरा प्रोग्राम लिखते थे, वो पूरे का पूरा प्रोग्राम राइट क्लिक करके जैसे हम उसको रन करते थे वो पूरे का पूरा प्रोग्राम एक साथ रन होता था। यहाँ पर इस तरह से होता है कि हम डिफरेंट सेल्स बना देते हैं और अपने पूरे के पूरे कोड को चंक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। हम चंक बाय चंक अपने कोड को, अपने वो डिफरेंट सेल्स को रन करते हैं, और उन सेल्स के अंदर जो चंक ऑफ कोड होता है वो कोड रन होता है और उसका आउटपुट सेपरेट आता है। तो अभी जुपिटर नोटबुक पर चलेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज होती है, किस तरह से उस पे प्रोग्राम को रन किया जाता है, और किस तरह से हम अपने पूरे के पूरे कोड को डिफरेंट सेल्स में डिवाइड करके और उसको चंक्स में भी रन कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, डाटा साइंस की एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां हमने ग्राफ्स बनाने होते हैं, जहां हमने डाटा की विजुअलाइजेशन करनी होती है, जहां हमने स्टेप्स के अंदर डाटा की प्री प्रोसेसिंग करनी होती है, वहां पर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में सबसे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में जुपिटर नोटबुक के बारे में नहीं बताया था, आज मैं जुपिटर नोटबुक के बारे में कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। आप लोगों को याद है कि फर्स्ट क्लास में हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, दैट इज एनाकोंडा, और उस एनाकोंडा को हमने डाउनलोड भी किया था और इंस्टॉल भी किया था। तो एनाकोंडा को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एनाकोंडा इंस्टॉल है, तो एनाकोंडा को इंस्टॉल करने के बाद मैं अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली एनाकोंडा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा दैट इज एनाकोंडा, तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर आएगा दैट इज एनाकोंडा नेविगेटर के नाम से, आप देख लें एप्लीकेशन में शो हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ही मेरे पास एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट भी आएगा, यानी मैं एनाकोंडा को कमांड लाइन के थ्रू भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं इस नेविगेटर को ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस नेविगेटर पे क्लिक करूंगा, तो चूंकि एनाकोंडा नेविगेटर एक हैवी सॉफ्टवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, लिहाजा ये एनाकोंडा नेविगेटर लोड होने में और रन होने में, प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड कर रहा होता है। मैं भी आपके कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करता हूँ, 5 सेकंड भी रिक्वायर कर ले, ये 10 सेकंड भी ले सकता है, 15 सेकंड भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर मेमोरी प्रोसेसिंग स्पीड एंड योर कंप्यूटर स्पीड एंड एफिशिएंसी, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने इसे रन किया तो थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये मेरे पास नेविगेटर रन होने के बाद इसका पूरे का पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मेरे पास आ जाएगा। तो अभी इसका वेट कर लेते हैं जब तक ये रन होता है। ये मेरे पास इसकी लोडिंग हो रही है और ये कुछ एप्लीकेशन वगैरह लोड कर रहा है। जी
ये देखें, ये मेरे पास इसका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप देख रहे हैं कितना अट्रैक्टिव सा इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो मेरे पास शो हो गया। अच्छा, इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर जुपिटर नोटबुक नजर आ रहा है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, मेरे पास यहाँ पर जुपिटर लैब नजर आ रहा है, मेरे पास यहाँ पर पाइचार्म कम्युनिटी नजर आ रहा है जिसको हमने अभी इंस्टॉल किया था। तो एनाकोंडा जैसे हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, इट इज अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, ये हमें कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तमाम के तमाम हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं एआई मशीन लर्निंग डाटा साइंस के, और आईडीज भी हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो हम इस एनाकोंडा के थ्रू कुछ भी जितने भी हमारे पास एआई पाइथन एंड डाटा साइंस की फील्ड के अंदर काम करने के लिए जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हमारे पास आईडीज हो, फ्रेमवर्क्स हो, लाइब्रेरीज हो, वो हम सारी की सारी इसके थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके थ्रू हम उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही आप देख रहे हैं कि वो पाइचार्म कम्युनिटी जो हमने अलग से डाउनलोड इंस्टॉल किया था, हम इसके थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी पाइचार्म कम्युनिटी इंस्टॉल है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लॉन्च का एक बटन आ रहा होगा, ये लॉन्च का बटन है कि यहाँ पर मैं क्लिक करके डायरेक्ट पाइचार्म कम्युनिटी को यहाँ से भी लॉन्च कर सकता हूँ, यानी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक जुपिटर नोटबुक का ऑप्शन है, जैसे ही आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेते हैं तो जुपिटर नोटबुक भी ऑटोमेटिकली उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके साथ भी लॉन्च का एक बटन आ रहा है। अच्छा, जो चीजें जो सॉफ्टवेयर्स आपके एनाकोंडा के साथ इंस्टॉल नहीं होते उनके साथ नीचे एक इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं डाटा स्पेल के नाम से, इसके साथ यहाँ पर नीचे इंस्टॉल का बटन आ रहा है, मींस कि ये इसके साथ इंस्टॉल नहीं हुआ। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसी जगह थोड़ी सी लोडिंग होगी, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये डाटा स्पेल इंस्टॉल हो जाएगा। आपको अलग से कहीं से डाटा स्पेल को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, उसके पूरे के पूरे प्रोसीजर से गुजरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये आपको बहुत ही इजी वे में बहुत सारी चीजों को इंस्टॉल करने और यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अभी मैंने जुपिटर नोटबुक को डिस्कस किया था, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये लोडिंग स्टार्ट होगी और मेरा जुपिटर नोटबुक यहाँ से ही ब्राउजर के अंदर, कोई भी मेरा ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है या मोज़िला फायरफॉक्स, जो भी मैं ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, तो मेरे डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर जुपिटर नोटबुक का सर्वर ओपन होगा और वो डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर वो चलना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि जुपिटर नोटबुक ओपन हुआ और ये आप देख सकते हैं कि ये लोकल होस्ट यानी कि मेरा एक लोकल सर्वर है, इसके ऊपर ये रन हो गया। तो ब्राउजर के टैब को इसने यूज किया है और ब्राउजर को यूज करके मेरा जो लोकल होस्ट है उसके ऊपर इसने जुपिटर नोटबुक के को रन कर दिया है। और ये कौन सी पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है, दैट इज 80444 टेट्राइड, ये टेट्रा 8 पोर्ट के ऊपर लोकल होस्ट सर्वर को यूज करते हुए रन होता है। तो अच्छा, जैसे ही मैंने जुपिटर नोटबुक ऑन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट फोल्डर्स हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि ये फोल्डर्स मैंने नहीं बनाए, मैं तो अभी आपके सामने फर्स्ट टाइम ही ओपन कर रहा हूँ जुपिटर नोटबुक। ये फोल्डर कहाँ से आ गए, आप लोग अगर इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने भी इस तरह के फोल्डर्स आएंगे। अब ये फोल्डर्स कहाँ से आ रहे हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ अपनी सी ड्राइव में, अपने माई कंप्यूटर में जाता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ सी ड्राइव में, सी ड्राइव में जाकर यहाँ पर एक फोल्डर है यूजर्स का, मैं इस फोल्डर में जाता हूँ। इस यूजर्स के फोल्डर में यहाँ पर एक पब्लिक के नाम का फोल्डर है और एक मेरे नाम से फोल्डर है। तो आपके कंप्यूटर में भी यूजर्स के अंदर जाके एक पब्लिक के नाम से फोल्डर होगा और आपने अपने विंडो में जितने भी अकाउंट्स बनाए होंगे या जिस नाम से भी आपने विंडो इंस्टॉल की होगी उस नाम से एक फोल्डर होगा। तो ये मेरे पास एक फोल्डर है कामराम के नाम से, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर सब फोल्डर आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे सब फोल्डर आपको वहां जुपिटर नोटबुक में शो हो रहे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं एनाकोंडा 3 नजर आ रहा है, बैच 15 नजर आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंट तरह के फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, बैच 16 है, बैच 17 है, डिफरेंट तरह के फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। यही फोल्डर्स अगर मैं जाता हूँ अपने जुपिटर नोटबुक पे तो आप देख रहे हैं सेम टू सेम यही फोल्डर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एनाकोंडा 3 है, बैच 15 है, 16। इसका मतलब जब भी आपका जुपिटर नोटबुक स्टार्ट होता है तो उसका जो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पाथ होता है वो ये वाला फोल्डर होता है, यानी सी में जाके यूजर्स के फोल्डर में, यूजर्स के फोल्डर के बाद जाके स्पेसिफिक नाम जिस भी नाम से हमने अपनी विंडो इंस्टॉल की हुई है उस नाम के फोल्डर में जितने भी सब फोल्डर्स हैं वो सारा का सारा उसका बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पाथ होता है। तो लिहाजा अगर हमने अपने जुपिटर के अंदर कोई भी नोटबुक बनाई है, कोई भी कोड लिखा है, तो वो कोड अगर हमने किसी के साथ शेयर करना हो या उस कोड को उस कोड फाइल को कॉपी करना हो तो वो कोड फाइल हमें इस फोल्डर के पास से यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर हम जितने भी फोल्डर्स बनाएंगे जुपिटर के अंदर, यहाँ पर जितने भी नोटबुक्स लिखेंगे वो सारी की सारी नोटबुक्स यहाँ पर सेव होंगी। अगर हम यहाँ पर जितने भी फोल्डर्स बनाएंगे वो सारे के सारे फोल्डर्स भी हमारे पास इसी पाथ के ऊपर यहाँ पर सेव होंगे, जिसको हम जुपिटर
या नोटबुक को यूज करते हुए जितने भी फोल्डर्स बनाते हैं क्रिएट करते हैं वो सारे के सारे फोल्डर्स हमें यहाँ से मिल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स बनाए हुए हैं, बैच 15, 16, 17, ये डिफरेंट बैचेस हैं जिनको मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपके लिए एक डिफरेंट यहाँ पर फोल्डर बना लेता हूँ, दैट इज एआई एंड डाटा साइंस का। तो मैं यहाँ पर फोल्डर के लिए न्यू पे क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हैं कि लास्ट पे ऑप्शन आ रही है, दैट इज न्यू फोल्डर। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक न्यू फोल्डर यहाँ पर बन के आप देख रहे हैं नीचे लास्ट पे, और ये कह रहा है कि आप उसका कोई ना कोई नाम टाइप करें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एआई एंड डाटा साइंस, ये मैंने यहाँ पर इस फोल्डर का नाम लिख दिया। जैसे मैंने इस फोल्डर का नाम लिख के एंटर किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फोल्डर बन गया। और जब मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने माय कंप्यूटर में, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एआई एंड डाटा साइंस का एक फोल्डर बन चुका होगा। ये देखें एआई एंड डाटा साइंस का एक फोल्डर यहाँ पर भी बन चुका है। तो यानी अब इस फोल्डर के अंदर जितने भी मैं नोटबुक्स बनाऊंगा वो सारी की सारी नोटबुक्स मुझे यहाँ पर सी के अंदर जाके मिल जाएगी, और यहाँ से मैं नोटबुक्स को कॉपी करके किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर के जुपिटर नोटबुक्स में अभी जो मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर अपने एक न्यू नोटबुक क्रिएट करता हूँ। तो न्यू नोटबुक क्रिएट करने के लिए जैसे हम पाइथन के अंदर .py की एक फाइल क्रिएट करते थे जिसके अंदर हम सारा का सारा पाइथन का कोड लिखते थे, तो यहाँ पर अगर हमने एक न्यू कोड लिखना होगा तो उसके लिए मैं न्यू नोटबुक क्रिएट करूंगा। तो न्यू नोटबुक क्रिएट करने के लिए मेरे पास यहाँ न्यू का ऑप्शन है, जैसे मैं न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, दैट इज नोटबुक। मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि एक न्यू टैब के अंदर मेरे पास एक नोटबुक ओपन हो जाएगी। तो ये मेरे पास एक जुपिटर नोटबुक है जो कि मेरे पास ओपन हुई है। स्टार्टिंग में मुझे एक ऑप्शन दे रहा होता है कि आपने कौन सा कर्नल सेलेक्ट करना है, तो जो आपका बाय डिफॉल्ट कर्नल होता है जो कि पाइथन 3 IPY कर्नल होता है, ये वो कर्नल होता है जिसके थ्रू आपका कोड रन हो रहा होता है, आपका कोड ट्रांसलेट हो रहा होता है। तो मैं इसी कर्नल को रहने देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट कर्नल्स भी है लेकिन चूंकि हम पाइथन 3 के कर्नल यूज कर रहे हैं, क्योंकि पाइथन 3 के कर्नल यूज करते हुए हमने अपने सारे के सारे कोड को रन करना है, उस सारे के सारे कोड को हमने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, इंटरप्रेट करना है। तो मैं इसीलिए पाइथन 3 का IPY कर्नल यूज करता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये कर्नल पाइथन 3 का इस जुपिटर नोटबुक के साथ ही अटैच हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास फाइल का नाम है, मैं यहाँ पर कोई भी फाइल का नाम लिख सकता हूँ। जैसे कि आज मैं एडवांस डेटा टाइप्स और लिस्ट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं एडवांस डेटा टाइप्स के नाम से इस फाइल का नाम रख देता हूँ। मैंने इसको एंटर किया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवांस डेटा टाइप्स के नाम से इस फाइल का नाम हो गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये मेरे पास मेन्यू बार है जिसमें फाइल का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, व्यू है, रन है, कर्नल है, सेटिंग्स है। ये ऑप्शंस विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इनको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कब कब किस किस टाइम हम इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि ये ऑप्शन है सेव का, अगर हमने कोई चेक पॉइंट सेव करने हो पाइथन के अंदर, वैसे जब भी हम जो जुपिटर नोटबुक में जो भी कोड लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होता है, हमें उसे एक्सटर्नली सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नॉर्मली ये वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर इसकी नॉर्मली हमें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हमने पाइथन के अंदर हमारा कोई बड़ा सा कोड है जिसको रन होने में काफी टाइम लगता है जुपिटर नोटबुक में, तो हमने उसके डिफरेंट चेक पॉइंट्स बना लेते हैं कि एक बड़ा कोड है जिसको 1 day या 2 day लगता है पूरी की पूरी उसकी रनिंग के अंदर, तो इतना बड़ा कोड है हमारे पास या इतना बड़ा कोई प्रोग्राम है या इतना कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जिसकी रनिंग के लिए 2 to 3 days लग रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम पूरे 2 to 3 days वेट करें और उसके बाद एट द एंड उस कोड में जाके कोई एरर आ जाए तो फिर एरर की वजह से दोबारा पूरा का पूरा कोड दोबारा 2 दिन के वेट के साथ दोबारा रन करना पड़े, हम वहां पे कुछ चेक पॉइंट्स बना लेते हैं। यानी हम 5-5 घंटे के चेक पॉइंट्स बना लेंगे या हम कुछ चेक पॉइंट्स बना लेंगे कि इतना चंक्स ऑफ कोड रन हो जाता है तो यहाँ पर इसकी जो रनिंग स्टेट है इसको सेव कर ले, तो इस तरह की हम चेक पॉइंट्स नॉर्मली बनाते हैं। तो चेक पॉइंट्स हमारी रनिंग स्टेट्स को सेव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास अभी इस कोर्स में कोई ऐसा बड़ा कोड नहीं है जिसमें जिसकी रनिंग में और जिसकी कैलकुलेशन में या जिसकी प्रोसेसिंग में इतना ज्यादा टाइम रिक्वायर हो, तो लिहाजा अभी ये ऑप्शन हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, दैट इज अ न्यू ऑप्शन प्लस, ये ऑप्शन न्यू सेल्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक सेल है, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे नीचे की तरफ न्यू सेल्स ऐड होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन मेरे पास सेल्स को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो सेल भी मेरे पास सिलेक्टेड है मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास 1 by 1 सेल्स डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। ये ऑप्शन सेल के किसी कोड को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ, ये मैंने कोड लिखा है और इसमें मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में अपना नाम यहाँ पर लिख दिया, तो जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा तो इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ तो ये मेरे पास सेल का सारा कोड कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन है पेस्ट की, तो जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो मेरे पास जो कॉपी हुआ हुआ कोड है वो उस सेल के नीचे
एक न्यू सेल के अंदर पेस्ट हो जाएगा। तो मैं एक दफा कॉपी करके इसको मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर सकता हूँ। देन फिर ये रन की ऑप्शन है, जब भी मेरे सेल में कोई कोड लिखा हुआ है उसको रन करना है, तो मैं किसी भी सेल को सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ, तो ये पूरे का पूरा कोड जो सेल में लिखा हुआ है ये रन होगा, और रन होने के बाद इसके नीचे यहाँ पर इसकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये मेरे पास रिफ्रेश का ऑप्शन है कि अगर हमने रीस्टार्ट करना हो अपना पूरे का पूरा कर्नल, बाज दफा हमारा पूरे का पूरा जो जुपिटर नोटबुक है या प्लेटफॉर्म है जो चल रहा होता है वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की वजह से हैंग हो जाता है, या हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी कोड सेल जो है उसकी प्रोसेसिंग हम नए सिरे से स्टार्ट करवाना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पूरे के पूरे कर्नल को रिस्टार्ट कर देते हैं। कर्नल रिस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारी पूरी की पूरी नोटबुक रिफ्रेश हो जाती है, और उसके सारे के सारे चंक्स ऑफ कोड्स और सेल्स हमें नए सिरे से रन करने पड़ते हैं। देन फिर ये आगे ऑप्शन है हमारे पास रीस्टार्ट द कर्नल एंड रन ऑल सेल्स, कि अगर हमने कर्नल को रीस्टार्ट किया है और हम चाहते हैं कर्नल रीस्टार्ट हो और उसके बाद जितने भी उसके सेल्स हैं दोबारा नए सिरे से वो सेल्स भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएं, तो फिर हम ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सिर्फ कर्नल को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर ये ऑप्शन, अगर हम रीस्टार्ट करने के बाद उसके तमाम सेल्स को दोबारा रन भी करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ये सेकेंड ऑप्शन है। देन फिर उसके बाद ये ऑप्शन है कि अगर मैंने किसी सेल को सिलेक्ट किया तो सेल में तीन तरह की चीजें हो सकती है, या तो मेरा कोड हो सकता है जो कि मैंने अभी लिखा हुआ है पाइथन कोड, या मेरा वो सेल मार्कडाउन हो सकता है। मार्कडाउन का मतलब अगर मैंने इस सेल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना है या कोई हेडिंग्स देनी है तो फिर मैं अपने सेल को मार्कडाउन बना देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेल ऐड किया तो सेल को मैं एस्केप ए करके ऊपर बिलो सेल लेके ऐड करता हूँ, एस्केप ए इसकी शॉर्टकट की है, एस्केप बी से सेल नीचे की तरफ ऐड होता है, एस्केप ए से सेल ऊपर की तरफ ऐड हो जाता है। तो मैंने एक सेल ऐड किया, उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर मार्कडाउन के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं कोई हेडिंग देता हूँ तो ये हेडिंग एज अ टेक्स्ट यूज होगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसके अंदर वही HTML की टैगिंग भी यूज कर सकता हूँ, या डिफरेंट जो मार्कडाउन होती हैं जिसको हम रीड भी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो भी यूज कर सकता हूँ। यानी अगर मैं यहाँ पर इस सेल को सेट करके इस लिस्ट के स्टार्ट पे मैं हैश लगा देता हूँ, जैसे कि मैंने सेल को सेट किया और मैंने यहाँ पर हैश लगा दिया, तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी लिस्ट की हेडिंग बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैंने किसी सेल में कोड लिखना हो तो फिर मैं यही ऑप्शन कोड की रहने दूंगा, अगर मैंने किसी सेल में कोई टेक्स्ट या मार्कडाउन लिखना हो तो फिर मैं ये मार्कडाउन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, अच्छा तो यहाँ तक हमने जुपिटर नोटबुक्स की डिफरेंट चीजों को देख लिया। आई थिंक इतना आप लोगों के लिए जरूरी है कि जब आपने जुपिटर नोटबुक के अंदर कोड लिखना होगा, बाकी जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो मेन्यू बार में, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम वक्त के साथ साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे और देखते रहेंगे उनमें कौन कौन सी ऑप्शन जरूरी है और कौन कौन सी इतनी जरूरी नहीं है जिनको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो अब हमने जुपिटर नोटबुक को यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया है, अब हम अपने कोड पे चलते हैं गिटहब पे और देखते हैं कि एडवांस डेटा टाइप्स में लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज ये क्या क्या होती हैं। तो ये मैं आपके सामने अपना गिटहब कोड ओपन कर लेता हूँ। अब इस कोड में सबसे पहले हमने लिस्ट पढ़नी है, तो अब लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरे पास लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मेरे पास एक वेरिएबल है फ्रूट्स के नाम से, और इस फ्रूट्स के अंदर वो सारे के सारे मैंने फ्रूट्स का एक वेरिएबल बनाया। इस फ्रूट्स के बाद मैंने इक्वल डाल के मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई, और इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ मैंने फ्रूट्स के नेम लिखे हैं। लेट्स सपोज मैंने एप्पल लिखा है, कोमा बनाना, कोमा चेरी, ये डिफरेंट मैंने फ्रूट्स लिखे हैं। इस तरह का हमारे पास जो डाटा होगा दैट वुड बी अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर होता क्या है कि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिफरेंट तरह के फ्रूट्स के नेम्स होते हैं, डिफरेंट तरह की वैल्यूज होती हैं, और उन वैल्यूज के दरमियान हम कोमा सेपरेशन, उनको कोमा से हम सेपरेट कर देते हैं। तो ऑल द वैल्यूज दैट आर इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यूज हो, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यूज हो, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हो, तो इस तरह के डाटा को हम लिस्ट कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है, और इसी लिस्ट को मैं अपनी जुपिटर नोटबुक में लाता हूँ और आपको ये रन करके भी दिखा देता हूँ। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली फ्रूट्स के नाम से, जिसके अंदर डिफरेंट फ्रूट्स आइटम जो कि स्ट्रिंग्स हैं ये मैंने कोमा सेपरेशन के साथ लिख दिए, और मैंने उसके बाद फिर इस फ्रूट्स को प्रिंट करवाया, तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास यहाँ पर आ गई है। ये आप देख सकते हैं ये मेरी लिस्ट मेरे पास यहाँ पर आ गई है। अच्छा, अब इस लिस्ट के अंदर अभी हमने लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हमने एक चीज पढ़ी थी दैट इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के साथ हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पढ़ी थी और उसके साथ हमने स्लाइसिंग भी पढ़ी थी। तो अब जो इंडेक्सिंग होती है या नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है और जो स्लाइसिंग होती है, ये कॉन्सेप्ट्स क्या होती हैं, लिस्ट में हम इन्हें कैसे यूज करते हैं उसे हम देखेंगे। तो स्ट्रिंग में हमने देखा था कि जितने भी करेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे करेक्टर्स डिफरेंट लोकेशन के ऊपर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। एम एक अलग लोकेशन पे स्टोर हो रहा था, यू अलग लोकेशन पे स्टोर हो रहा था, एच अलग लोकेशन पे स्टोर हो रहा था।
इसी तरह लिस्ट के अंदर यहाँ पर जितने आइटम्स आपको नजर आ रही हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, ये सारे के सारे आइटम्स सेपरेट लोकेशन के ऊपर, कंजेक्टिव लोकेशन के ऊपर स्टोर है। ठीक है, आपके सामने लिस्ट नजर आ रही है, बट ये एप्पल जो है ये एक अलग लोकेशन पे स्टोर है जिसका लोकेशन नंबर होगा 0, वैसे ही जैसे हमने स्ट्रिंग में बात की थी। इसी तरह बनाना 1 लोकेशन पे स्टोर होगा, चेरी 2 लोकेशन पे स्टोर होगा, मैंगो 3 लोकेशन पे, इस तरह सोन। तो सेम टू सेम स्ट्रिंग की तरह भी इसकी स्टोरिंग भी कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन पर होती है, और वो सेपरेट सेपरेट मेमोरी चंक्स होते हैं जिनके अंदर ये एक एक आइटम स्टोर हो रहे होते हैं। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जैसे स्ट्रिंग में हम सेपरेट अल्फाबेट्स को एक्सेस कर सकते थे, ऐसे ही लिस्ट में भी हम सेपरेट आइटम्स को अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अंदर हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से वो वैल्यू निकाल भी सकते हैं। तो बजाय इसके कि मैं इस पर टाइम लगाऊं, जैसे कि हमने स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग की थी, इंडेक्सिंग की थी, नेगेटिव इंडेक्सिंग की थी, वैसे ही मैं आपको यहाँ पर नोटबुक से ही दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसमें स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। तो सबसे पहले इंडेक्सिंग की बात करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखा फ्रूट्स 1, तो अब 1 लोकेशन पे जो स्टोर है बनाना, वो मेरे पास एक्सेस होके आ जाएगा, या आप देख रहे हैं आउटपुट में मेरे पास बनाना आ गया। इसी तरह नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं, तो ये एक रिवर्स इंडेक्स भी होता है जिसमें -1, -2, -3 इस तरह से स्टार्ट होता है जैसे हमने स्ट्रिंग में बात की थी। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स -1, तो ये मेलन यहाँ से एक्सेस होके आ गया। इसी तरह स्लाइसिंग भी होती है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास चेरी से लेकर ऑरेंज तक ये 3 फ्रूट्स सारे के सारे लिस्ट में से निकल के ये सारे के सारे आइटम्स मेरे पास आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसका स्टार्टिंग इंडेक्स लिखूंगा, एंडिंग इंडेक्स लिखूंगा, और स्टेप लिखूंगा कितने कितने जंप से उसने आइटम्स उठाकर लेके आने हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स में 2 लिखा कि 2 से आइटम्स उठाना स्टार्ट करे, और 5 से पहले पहले तक जितने भी आइटम्स हैं वो उठा ले। तो उसने 2 से एक आइटम उठाया, 3 से उठाया, 4 से उठाया, 5 से पहले पहले 3 आइटम्स थे वो उठाकर मेरे पास एक लिस्ट की सूरत में उसने दिखा दिए। तो इस चीज को हम स्लाइसिंग कहते हैं। स्लाइसिंग में जो लिस्ट के अंदर से एक स्लाइस निकलता है वो भी एक लिस्ट ही होती है। टपल की स्लाइसिंग में भी जो एक स्लाइस आता है वो भी एक टपल ही होती है। इस तरह स्ट्रिंग की स्लाइसिंग में स्लाइस जो आता है वो भी एक स्ट्रिंग ही होती है, तो इसे हम स्लाइसिंग कहते हैं। इसी तरह अगर मैं कुछ जंप्स इसमें देना चाह रहा हूँ, जैसे मैं स्ट्रिंग में देता था पहले, तो आप इसमें यहाँ पर कोलन डाल के कुछ जंप्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसे यहाँ पर सिंटेक्स के अकॉर्डिंग स्टेप्स कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट 1-1 के जंप से आइटम्स एक्सेस करके लेके आता है, अगर आप यहाँ पर स्टेप की जगह 2 दे देंगे तो 2-2 के जंप से आइटम को एक्सेस करके लेके आएगा। ठीक है, देन फिर आगे केस है, केस नंबर 2 में, कि अगर आपने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं स्पेसिफाई किया तो इसकी बाय डिफॉल्ट होती है 0। 0 का मींस कि स्टार्टिंग से अगर आपने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं स्पेसिफाई किया तो स्टार्ट 0 से लेगा, जहां से उसकी स्टार्टिंग आइटम है, लिस्ट की फर्स्ट आइटम से स्टार्ट करेगा, और एंडिंग आइटम तक जो भी आपने स्पेसिफाई किया वहां तक वो सारे के सारे आइटम्स आपको लाके दिखा देगा। तो उसने 0 यानी एप्पल से स्टार्ट किया, और 4 से पहले पहले 3 तक उसने सारे के सारे आइटम्स लाके दिखा दिए। इसी तरह अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं और एंडिंग स्पेसिफाई नहीं करते, तो एंडिंग में क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट वो पूरी की पूरी लिस्ट की लेंथ ये एंडिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट सेट कर देता है। तो पूरी की पूरी लिस्ट में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारों की जो लेंथ है वो बाय डिफॉल्ट एंडिंग में स्पेसिफाई होगी। अब वो 2 से स्टार्ट करेगा और एंडिंग जितनी भी लिस्ट के अप टू एंड तक जितने भी आइटम्स हैं 2 से स्टार्ट करके अप टू एंड ऑफ द लिस्ट वो सारे के सारे आइटम्स वो क्या करेगा, दिखा देगा। इसी तरह से ये हमने यहाँ पर एक केस 4 देखा है जिसमें डिफरेंट 0 से लेकर 7 तक जो आइटम्स आ रहे हैं उनके अंदर डिफरेंट 2-2 के जंप से वो आइटम्स लेकर आ रहे हैं। देन फिर हम नेगेटिव नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं स्लाइसिंग में, कि -5 से लेकर -2 तक, यानी -5 से नंबर्स उठाना शुरू करें और 2 तक नंबर्स हम उठाते हुए ले आए। अब ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर कोडिंग में आपको इसलिए करके दिखाई क्योंकि इसको हम डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू स्ट्रिंग्स के अंदर करके देख चुके हैं। हम स्ट्रिंग्स के अंदर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में ये देख चुके हैं कि किस तरह से इंडेक्सिंग करते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी लिस्ट के अंदर इसी तरह से इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होगी। लिहाजा बजाय इसके कि हम इस पर टाइम वेस्ट करते, तो वही कंसेप्ट जो वहां पर इस्तेमाल हो रहे थे उसी कंसेप्ट को आप यहाँ पर अप्लाई करके आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट पे जो चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज अपडेटिंग लिस्ट, कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट है उसके अंदर हमने कोई डाटा अपडेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो लेट्स सपोज इस कोड को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ अपनी नोटबुक पे, और इस नोटबुक में यहाँ पर मैं लाके लिखता हूँ कि ये मेरे पास कोड है, और इसमें मैं कहता हूँ कि ये कोड यहाँ पर मैंने लिखा कि अब देखें इसमें 2 इंडेक्स के ऊपर मेरे पास चेरी का एक आइटम पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा कि फ्रूट्स के अंदर 2 इंडेक्स के ऊपर
एक आइटम स्टोर को वार्ड दैट इज वाटरमेलन। तो अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा और अपनी इस लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे कि टू के ऊपर पहले जो लिस्ट में चेरी पड़ा हुआ था अब इसकी जगह वाटरमेलन आ गया। तो चेरी की जगह इसने वाटरमेलन इस लिस्ट के ऊपर ओवरराइट कर दिया। अब वाटरमेलन इस लिस्ट का परमानेंट हिस्सा बन गया और चेरी इसमें से रिमूव हो गया। तो इस तरह से हम किसी लिस्ट के अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे अगर हम किसी लिस्ट के अंदर एक आइटम से स्टार्ट करके एक स्पेसिफिक आइटम तक पूरी की पूरी लिस्ट की आइटम्स हम उसमें चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि टू से स्टार्ट करें और फाइव तक जितने भी आइटम्स आ रहे हैं उनकी जगह पे चेरी, स्ट्रॉबेरी और गावा ये ओवरराइट कर दे। तो टू से फाइव तक टू थ्री फोर ये तीन आइटम्स को उठाएगा और फर्स्ट आइटम की जगह चेरी को ओवरराइट कर देगा, सेकेंड आइटम की जगह स्ट्रॉबेरी को ओवरराइट कर देगा और थर्ड आइटम की जगह गावा को ओवरराइट कर देगा। और ओवरराइट करने के बाद हमारे लिस्ट की जो शक्ल बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि पहले एप्पल बनाना और उसके बाद सेकंड के ऊपर ओवरराइड हुआ हुआ चेरी, देन थर्ड के ऊपर ओवरराइड हुआ हुआ स्ट्रॉबेरी और फोर्थ के ऊपर ओवरराइड हुआ हुआ गावा एंड नेक्स्ट आलमंड और लेमन वैसे के वैसे ही जैसे पुराने लिस्ट में मौजूद थे। इसी तरह लिस्ट की मैनिपुलेशन है। अगर हमने लिस्ट के अंदर कोई चीज ऐड करनी हो तो ऐड करने से अभी जैसे हमने लिस्ट को अपडेट किया है तो अपडेट करने से होता यह था कि इसमें एक नुकसान ये है कि जैसे मैंने वाटरमेलन अभी लिखवाया था, वाटरमेलन को ओवरराइड करवाया था स्टेप नंबर टू पे, तो वाटरमेलन की जगह जो चेरी था वो डिलीट हो गया था और वाटरमेलन उसकी जगह ओवरराइड हो गया था। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे लिस्ट में जो न्यू आइटम आए उसके आने से पुराना वाला आइटम डिलीट ना हो, पुराना वाला आइटम लिस्ट से खत्म ना हो, वो भी उसी लिस्ट में मौजूद रहे और न्यू आइटम भी उस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम इंसर्ट का मैकेनिज्म यूज करते हैं। वो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने लिस्ट का नाम लिखेंगे और लिस्ट का नाम लिखने के बाद उसके नाम के बाद हम लिखेंगे डॉट इंसर्ट, इंसर्ट के बाद आगे हम इंडेक्स लिखेंगे जिस इंडेक्स पर हम नया आइटम ऐड करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर न्यू आइटम ऐड करना चाहता हूँ टू लोकेशन पे। वैसे मेरे पास लिस्ट में टू लोकेशन पे वाटरमेलन मौजूद है तो मैं कहता हूँ कि टू लोकेशन पे ग्रेप्स रख दो। अब क्या करेगा ये इंसर्ट का मेथड, इस टू लोकेशन पे ग्रेप्स को रख देगा और वाटरमेलन को वहां से डिलीट नहीं करेगा बल्कि वाटरमेलन और उससे आगे कंसेक्यूटिव लोकेशन पर जितने भी आइटम्स हैं उनको एक एक पोजिशन आगे की तरफ मूव कर देगा, जिससे क्या होगा वाटरमेलन और मैंगो से आगे जितने भी आइटम्स हैं वो भी लिस्ट में रहेंगे और ग्रेप्स भी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप टू के ऊपर ग्रेप्स आ गया और वाटरमेलन और बाकी जो आइटम्स हैं वो एक एक पोजीशन आगे की तरफ शिफ्ट हो गए। इसी तरह से एक अपेंड का मेथड है जो कि लिस्ट के लास्ट से कोई भी आइटम ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा फ्रूट्स का नाम लिखूंगा डॉट अपेंड और आगे वो आइटम का नाम लिख दूंगा जो कि लास्ट से मैंने ऐड करना है। तो लास्ट से क्या होगा फायदा ये होगा कि मेरे बाकी किसी भी आइटम के इंडेक्स की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगी। तो मैंने डॉट अपेंड लिखा और आगे लेमन लिख दिया तो लास्ट से एक लेमन ऐड हो गया जो कि मेरे पास पहले लास्ट पे मेलन था और उसके लास्ट पे एक लेमन अपेंड हो गया। ठीक है उसके बाद एक्सटेंड्स का मेथड है जो कि दो लिस्ट को मिला के एक्सटेंड कर देता है। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मोबाइल, टेलीफोन, एयरबड्स ये तीन तरह के आइटम्स हैं और दूसरी लिस्ट है मेरे पास जिसमें शर्ट, हुडीज और जीन्स ये तीन तरह के आइटम्स हैं। मैंने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट वन डॉट एक्सटेंड प्रोडक्ट टू। अब क्या होगा कि प्रोडक्ट टू के अंदर जितने भी आइटम्स हैं शर्ट, हुडीज और जीन्स ये सारे के सारे आइटम्स प्रोडक्ट वन की लिस्ट में एक्सटेंड हो जाएंगी, यानी ये सारे के सारे आइटम्स प्रोडक्ट वन की लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। तो जब मैंने प्रोडक्ट वन की लिस्ट को प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास प्रोडक्ट वन की लिस्ट में मोबाइल, टेलीफोन और एयरबड्स जो कि पहले ही इसका पार्ट थे वो तो आ गए। उसके बाद आगे जो प्रोडक्ट टू की आइटम्स थी वो भी इसके लिस्ट का पार्ट बन गई, यानी वो भी इसके साथ एक्सटेंड हो गई। तो एक्सटेंड एक लिस्ट को उठा के उसकी तमाम आइटम्स उठा के दूसरी लिस्ट के आगे अपेंड करने के लिए और उसके आगे लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। देन फिर आगे हम रिमूव आइटम की बात कर लेते हैं कि अगर हमने लिस्ट के अंदर से कोई आइटम निकालना है तो हम लिस्ट का नाम लिखेंगे देन रिमूव और आगे वो आइटम का नाम लिखेंगे जिस आइटम को हमने रिमूव करना है, वो आइटम उस लिस्ट से क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। देन फिर एक पॉप का मेथड है इसकी हम बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर पॉप और रिमूव में एक बेसिक डिफरेंस है और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको मैं यहाँ पर वाज़े करता चलूंगा। रिमूव मेथड में जब भी आप रिमूव करते हैं तो आपका जो रिमूव्ड आइटम है उसको लिस्ट से रिमूव करके किसी भी आइटरेबल से रिमूव करके हमेशा हमेशा के लिए वेस्ट कर दिया जाता है, उस आइटम को उस लिस्ट का पार्ट नहीं बनाया जाता। जब आप पॉप के थ्रू किसी भी चीज को रिमूव करते हैं तो पॉप क्या करता है कि लिस्ट में से वो आइटम निकाल के आपको रिटर्न करता है, आपको वापस करता है। आप उस आइटम को किसी भी वेरिएबल में सेव करके उसको
इन फ्यूचर यूज के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी एक बहुत ही बड़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर के अंदर जो रिसाइकल बिन होती है, जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई भी इमेजेस या वीडियोस या कोई भी फाइल्स डिलीट करते हैं तो एक रिसाइकल बिन का फोल्डर होता है जिसके अंदर वो तमाम तरह डिलीटेड आइटम्स जा रही होती हैं कि जब भी आप उन डिलीटेड आइटम्स को कभी रिकवर करना चाहें। जी, तो रिमूव की हम बात कर रहे थे कि रिमूव क्या होता है, कि रिमूव हमारे पास किसी भी आइटम को किसी लिस्ट में से डिलीट करके हमेशा हमेशा के लिए वेस्ट कर देता है। तो ये काम होता है रिमूव का। लेकिन इसी काम को करने के लिए एक और मेथड भी इस्तेमाल होता है, डेट इज पॉप। पॉप क्या करता है, पॉप किसी भी इंडेक्स के ऊपर से जो आइटम होती है उसको रिमूव करके वेस्ट नहीं करता, बल्कि वो आइटम हमें रिटर्न करता है। हम उस आइटम को फ्यूचर यूज के लिए कभी भी दोबारा इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे कंप्यूटर में जो रिसाइकल बिन होती है, रिसाइकल बिन में आपके तमाम तरह डिलीटेड आइटम्स जो होती हैं वो जाकर स्टोर हो रही होती हैं। आप कभी इन फ्यूचर अगर उन डिलीटेड आइटम्स को रिकवर करना चाहें तो आप रिसाइकल बिन के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। तो पॉप भी हमें ये एक ऑप्शन दे रहा है कि पॉप बजाय इसके के उन आइटम्स को रिमूव करने के बाद वहां से वेस्ट कर दे, वो उन आइटम्स को हमें रिटर्न करता है कि भाई ये आप आइटम्स जो आपने रिमूव करवाई हैं वो ये वाली आइटम्स हैं, आप इनको अपने पास स्टोर कर लो, ठीक है, या आप इनको किसी और जगह रखवा लो ताकि आपको दोबारा कभी इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो पॉप हमें कोई भी आइटम रिमूव करके किसी इंडेक्स से रिटर्न करेगा, जबकि रिमूव क्या करेगा कि उस आइटम को जो हमने आइटम मेंशन की है उसको रिमूव करके हमेशा हमेशा के लिए वेस्ट कर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिखाई है, मैंने लिखा फ्रूट स्टोर रिमूव मेलन, तो मेलन के थ्रू क्या हुआ कि मेलन जो इस पूरी की पूरी लिस्ट में था वो अब हमेशा के लिए वेस्ट हो गया। लेकिन जब मैंने लिखा फ्रूट्स डॉट पॉप और मैंने कहा कि टू इंडेक्स के ऊपर जो आइटम है उसको पॉप कर दे, तो टू इंडेक्स के ऊपर जो मेरे पास बनाना था, पॉप ने क्या किया, इस बनाना को लिस्ट में से निकाल के और मुझे रिटर्न किया। जब मुझे इसने रिटर्न किया तो मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया जिसको मैंने एक्स का नाम दे दिया, और फिर मैंने फ्रूट्स की लिस्ट को प्रिंट करवाया, और फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने उस रिमूव्ड आइटम को प्रिंट करवाया तो वो रिमूव आइटम मेरे पास आ गई कि बनाना वो रिमूव्ड आइटम थी जो कि मैंने इस लिस्ट में से निकाली थी। तो इस तरह से जो रिमूव्ड आइटम्स होती हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक का जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा। हमने लिस्ट को डिस्कस किया, हमने यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया कि लिस्ट के अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमने लिस्ट के डिफरेंट मैकेनिज्म्स देखे, इंडेक्सिंग देखी, स्लाइसिंग देखी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लिस्ट के और मेथड्स देखेंगे, सॉर्टिंग देखेंगे, टपल्स को डिस्कस करेंगे और डिक्शनरी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।